एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में मनोज नाम का एक आदमी रहता था। मनोज की शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, पर मनोज के घर वालों ने दहेज के लालच में मनोज की शादी उस लड़की से जबरदस्ती करवा दी। वो मनोज का भी पूरा ध्यान रखती थी, पर मनोज को उसकी एक भी अच्छाई नहीं दिखती थी, उसे तो बस उसकी बदसूरत शक्ल दिखती थी। एक दिन की बात है, जब मनोज के घर उसकी बर्थडे पार्टी में आते हैं और उसकी बीवी का खूब मजाक बनाते हैं। मनोज से अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो सबके जाने के बाद सीमा से खूब लड़ता है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस मनहूस औरत ने, मेरा मेरा सबके आगे मजाक बना दिया। मैंने कोई आपसे जबरदस्ती शादी थोड़ी की है, आप ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ? जबरदस्ती ही की है, पर अब मैं इस शादी को नहीं मानता, अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। सीमा उस रात मनोज के आगे बहुत गड़गड़ाती है, पर मनोज उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। सीमा बेचारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और भूखी प्यासी एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है। शाम के वक्त एक लड़की साइकिल पर खाना बेचती हुई वहाँ से निकल रही होती है, जो सीमा को देख वहीं रुक जाती है। आंटी, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो, क्या हुआ आपको? मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, मेरे पास न रहने को जगह और न खाने को पैसे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, मैं अभी आई। पिंकी जल्दी से जाती है और अपनी साइकिल से कुछ खाने का लेकर आती है। पिंकी सीमा को खाने के लिए देती है। मैं ये नहीं खा सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं है, तभी तो मैं आपके लिए ये खाने की चीजें लाई हूँ। वैसे भी इतना सारा खाना बच गया है, सुबह से कुछ बिका ही नहीं। ऐसा क्यों, सुबह से कुछ भी नहीं बिका? हाँ आंटी, मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं इतने मन से खाना बनाती हूँ और कोई लेता ही नहीं। फिर सीमा खाना खाकर देखती है तो खाना बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता। ये खाना किसने बनाया है, तुम्हारी माँ ने? मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरी एक छोटी बहन शीना और छोटा भाई राहुल है, उनका पेट भरने और उनको पढ़ाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने मुझे खाना दिया, भगवान तुम्हारा भला करे। पर एक बात बताऊँ? बोलो ना आंटी, ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना, तभी शायद तुम्हारा कोई खाना नहीं खरीदता। मुझे पता है आंटी, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? अगर तुम चाहो तो मैं कल से खाना बनाकर बेचना शुरू कर देती हूँ, फिर तुम भी अपने भाई बहनों की तरह पढ़ पाओगी। क्या सच में? क्या मैं भी स्कूल जा सकूंगी? आप चलोगी मेरे घर? हाँ क्यों नहीं, घर और परिवार की जरूरत तो मुझे भी है और तुमको भी, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। सीमा फिर पिंकी के घर आ जाती है। पिंकी अपने भाई बहन को सीमा के बारे में सब बताती है। शीना और राहुल को भी सीमा के लिए बहुत दुख होता है। अब अगले दिन से सीमा जल्दी उठकर खाना बनाना शुरू कर देती है, सब तैयार करके साइकिल पर रख देती है। उसके बाद वो बच्चों को नाश्ता देकर और उनको स्कूल भेजकर अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ती है। आओ आओ, घर का बना स्वादिष्ट खाना खाओ, एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। सीमा अपने साइकिल ढाबे को एक कॉलेज के बाहर लगा देती है। देखते ही देखते वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ खाना खाने आते हैं, जब वो सीमा के हाथ का खाना खाकर बड़ी ही तारीफ करते हैं। वाह, इतना स्वाद खाना, मैं तो कैंटीन का खाना खा खा कर दुखी हो गया था, आज खाया है घर जैसा स्वादिष्ट खाना, मजा ही आ गया। वाह, अब तुम सबको रोज ऐसा खाना मिलेगा। बस सीमा फिर रोज सुबह अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ती और शाम तक सारा खाना बेचकर घर लौट आती। वो तीनों बच्चों का भी ध्यान रखती, उनको खूब प्यार करती और खूब पढ़ाती लिखाती। उन सबकी जिंदगी बड़ी ही अच्छी चल रही थी, बच्चों को जैसे माँ और सीमा को जैसे खुद के बच्चे मिल गए हो। उनकी मजे की जिंदगी चली रही थी कि बस जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि एक दिन सीमा का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं सड़क पर मर गई। मरने के बाद उसकी लाश वहीं सड़क पर पड़ी रही। बच्चे शाम तक उसका इंतजार करते रहे कि कब उनकी आंटी घर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बच्चे बेचारे रोने लगे कि उनकी प्यारी आंटी कहाँ चली गई, और वो तीनों अपनी प्यारी आंटी को ढूंढने निकल पड़े। वो अंधेरी सड़क पर आवाज देते हुए चले ही जा रहे थे कि अचानक उनको उनकी साइकिल खड़ी दिखती है। आंटी आंटी, राहुल आपके लिए बहुत रो रहा है, प्लीज बताओ आप कहाँ छुपे हो। राहुल बहुत रोता है और तभी उनके सामने एक धुआं उठता दिखता है। फिर उनको उस धुएं से अपनी सीमा आंटी आते हुए दिखती है। अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगी बच्चों, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, चिंता मत करो। तीनों बच्चे फिर सीमा के साथ घर वापस आ जाते हैं। रात को जब सब बच्चे सो जाते हैं तो सीमा उठकर बैठती है और एक भयानक शक्ल की चुड़ैल में बदल जाती है। मैं तुम सबको कैसे बताऊं कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रही,
मैं मर चुकी हूँ और एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। चुड़ैल उठकर वहाँ से चली जाती है। वो रात भर खाना बनाने में लगी रहती है। जैसे ही सुबह होने वाली होती है वो बच्चों को रोज की तरह उठाती है और उन्हें स्कूल भेजती है। उसके बाद वो अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ती है। सबसे पहले वो रोज की तरह अपना साइकिल ढाबा लेकर कॉलेज के बाहर खड़ी हो जाती है। सभी बच्चे उसे देखते ही भीड़ लगा देते हैं। उसके बाद वो जगह जगह जाकर आवाज देती है और लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाती है। सभी जगह वो साइकिल ढाबे वाली के नाम से मशहूर होती है, पर असलियत में तो वो एक गरीब चुड़ैल साइकिल ढाबे वाली होती है। वो रोज रात को बच्चों के सोने के बाद अपने चुड़ैल के रूप में आ जाया करती थी और सुबह होते ही वो पहले की तरह इंसान बन जाती। ऐसे ही करते करते दिन निकल जाते हैं, पर किसी को इस बारे में पता नहीं लगता। फिर एक रात राहुल को बड़ी ही प्यास लगती है। वो पिंकी और शीना को बहुत उठाता है, पर दोनों में से कोई नहीं उठता। आंटी, सीमा आंटी, प्लीज मुझे पानी दे दो। राहुल देखता है कि उसकी सीमा आंटी कमरे में है ही नहीं। अरे आंटी कहाँ चली गई? वो तो रोज हमारे साथ इसी कमरे में सोती है। मैं जरा जाकर रसोई में देखता हूँ। राहुल उठकर सबसे पहले रसोई में जाता है तो वहाँ का नजारा देख उसके होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ तो एक भयानक चुड़ैल खाना बना रही होती है। राहुल इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके गले से आवाज भी नहीं निकलती और वो वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। कुछ देर वो चुड़ैल को ऐसे ही टकटकी लगाए देखता रहता है और फिर जैसे तैसे वो वहाँ से वापस अपने कमरे में भागने की हिम्मत करता है। कमरे में जाकर वो अपनी बहनों को उठाता है। उठो दीदी, उठो, जल्दी उठो प्लीज, देखो हमारे घर में एक चुड़ैल है। तेरी फालतू बातों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है, चुपचाप सो जा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ चलकर देखो। राहुल अपनी बहनों को उठाता ही रहता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर अचानक से राहुल के कंधे पर एक हाथ आता है। राहुल एकदम डर कर पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसकी सीमा आंटी होती है। क्या हो गया, क्यों डरे हुए हो, चलो चुपचाप सो जा। आंटी आप कहाँ थी? मैं आपको ढूंढने रसोई में गया तो वहाँ एक चुड़ैल थी जो खाना बना रही थी। ये सब तुम्हारा वहम है, तुम नींद में होगे और उससे पहले तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। राहुल को अपनी आंखों पर पूरा यकीन होता है। वो उस रात सो तो जाता है पर अगले दिन वो ये बात सीमा और शीना को बताता है। दोनों ही राहुल की बात पर यकीन ही नहीं करती और हंसने लगती है। राहुल को यकीन होता है जो उसने देखा था वो सच्ची था। अब वो अगली रात होने का इंतजार करने लगता है। वो रात को बस सोने का नाटक कर रहा होता है। जब सीमा को लगता है कि सब बच्चे सो गए हैं तो वो चुपके से उठती है और एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। उसके बाद वो किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। राहुल भी उसके पीछे पीछे चुपके से जाता है और रसोई के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। मुझे पहले ही यकीन था कि मैंने कोई सपना नहीं देखा, ये कोई वहम नहीं था, सच में हमारे घर में कोई चुड़ैल हमारी आंटी के भेष में हमारे घर में रह रही है। मुझे जल्दी ही सबको ये बात बतानी होगी और इस चुड़ैल को खत्म करना होगा। राहुल जल्दी से वहाँ से भागने लगता है कि उसके पैर के पास रखा मटका लुढ़क जाता है और चुड़ैल आवाज सुनकर पलट कर देखती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुड़ैल राहुल का हाथ पकड़कर तुरंत उसे रोक लेती है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सीमा आंटी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी, क्या तुम ऐसा चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, उनको हमसे दूर मत करना प्लीज। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, पर अगर तुम सबको मेरे बारे में बता दोगे तो सब मुझे कैद करवा देंगे, फिर मेरे साथ तुम्हारी आंटी भी चली जाएंगी क्योंकि मैं ही हूँ तुम्हारी सीमा आंटी। नहीं नहीं, हमारी आंटी चुड़ैल नहीं है। चुड़ैल ही है, क्योंकि मैं उस रात एक्सीडेंट में मर गई थी जिस रात तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे। मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी और बस तुम बच्चों से मरने के बाद भी दूर ना हो पाई, तुम्हें मेरी जरूरत थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहती और रूप बदल कर अपना साइकिल ढाबा चलाती। हाँ सच में, अब बताओ तुम सबको बताओगे ये बात? शीना तो अभी कितनी छोटी है, क्या वो ये सब सह पाएगी? नहीं नहीं, मैं किसी को कभी ये बात नहीं बताऊंगा, बस आप हमारे साथ ही रहना। बस फिर चुड़ैल रहा।